ये डिज़ाइन हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, मफलर, स्कार्फ, कैप किसी पर भी बना सकते हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए आपको मल्टीपल ऑफ 7 के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 4 एक्स्ट्रा फंदे एड ऑन कर लेने हैं। ये डिज़ाइन देखिए, ऐसे ये स्ट्रेचेबल बनता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन के लिए ये मैंने 25 फंदे लिए हैं। फंदे डाल के हमने ये रॉन्ग साइड से एक बेसिक रो बनानी है। ये हमने फर्स्ट टाइम ही बनानी है, तो अब मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। फंदे सीधे और आखिर का एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये हमारी रो 1 स्टार्ट होगी। ये हमारी राइट साइड है। अब हम 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये हमारे जो 5 फंदे हैं, इनमें से ये 1, 2, 3, ये तीसरे वाले फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर हमने एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारी जाली पड़ गई। अब हम 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे। ये उल्टे फंदे हैं, ये 2 फंदे उल्टे। फिर हम धागा पीछे करेंगे, ये 1, 2, 3, ये 3 फंदों में से तीसरा फंदा हम इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे करेंगे, फिर से हमने ये फंदा सीधा बुनाई किया। ये हमारे यहाँ पर जाली बन गई। अब हम 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2, 3, ये तीसरा फंदा हम दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा, फिर हम 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अभी हम रॉन्ग साइड आ गए। रॉन्ग साइड की हमने सारी सलाइयाँ ये देखिए ऐसे बुनानी है। पहला एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, ऐसे हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है।
अब ये हमारी रो थ्री है, राइट साइड। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर हमने पहले जाली बनाई थी, अब यहाँ पर हमने ये दो फंदे सीधे बुनाई करेंगे। और ये जो तीन फंदे हैं, इनमें से ये तीसरा फंदा हम ये दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर हम एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा। ये हमारी यहाँ पर अब जाली बन गई। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी, पहले हमने यहाँ पर जाली बनाई थी, अब हम यहाँ के दो फंदे आगे वाले सीधे बुनाई करेंगे। अब ये तीन फंदों में से ये तीसरे फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर हमने ऐसे ये जाली बना के एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे। अब ये तीन फंदों में से ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना। फिर हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी जाली बन गई। फिर हम दो फंदे सीधे, आखिर का एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये हमारी रो फोर है, रॉन्ग साइड। जैसे हमने रो टू बनाई थी वैसे बनानी है। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, अब दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ऐसे हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये चार सलाइयों का पैटर्न है। अब हमने जैसे रो वन बनाई थी, वन टू फोर रोज को हमने रिपीट करना है। मैं आपको एक बार फिर से ये दिखा देती हूँ। हमने पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे। अब हमने यहाँ पर जाली डाली थी, अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो हमने ये एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर हम एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, ऐसे बल डाल के एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए हमने इस फंदे को, इन तीसरे फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना। फिर हमने एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर हम एक फंदा सीधा, फिर ये दो फंदे हम आखिर के सीधे बुनाई करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, फिर हमने एक फंदा सीधा, फिर ये दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, और हम आखिर के एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड की सारी सिलाई हमने जैसे रो टू रो फोर बनाई थी वैसे बनानी है। ऐसे ही आप इन चार सिलाइयों के पैटर्न को रिपीट करते जाएं और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता जाएगा। ऐसे ही इस खूबसूरत डिज़ाइन को आप बनाएं,
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।